एक बार 6 साल का बच्चा चीनू पार्क में बेंच पर अकेले बैठा था और उसके फ्रेंड्स फुटबॉल खेल रहे थे। चीनू ब्लाइंड यानी अंधा होने की वजह से अपने फ्रेंड के साथ में नहीं खेल सकता था। 1 साल पहले हाई फीवर आने की वजह से चीनू की आईसाइट वीक होती चली गई और वह ब्लाइंड हो गया। उसने डॉक्टर को उसकी माँ से कहते हुए सुन लिया था कि अब सिर्फ भगवान ही उसकी मदद कर सकते हैं। जब चीनू पार्क में बैठा था तो एक स्ट्रेंजर वहाँ आया और चीनू के साथ बैठ गया। उसे पता था कि चीनू देख नहीं सकता। वो स्ट्रेंजर चीनू से बात करने लगा और बोला, आज स्काई डीप ब्लू कलर का है, बहुत सारे क्लाउड्स भी स्काई में हैं जो कि बटरफ्लाई के जैसे लग रहे हैं। उसकी बात सुनकर चीनू बहुत खुश हुआ क्योंकि उसको इसका क्लाउड्स और बटरफ्लाई दोनों ही बहुत पसंद थे और कहने लगा कि ये राघव और वीनू हैं। फिर स्ट्रेंजर ने उसे वहाँ चल रहे गेम के बारे में भी बताया, जैसे किक्स, टैकल्स और गोल्स। फुटबॉल चीनू का फेवरेट गेम था तो वह उसे देख सुनकर बहुत खुश हुआ और इस तरह बिना आँखों के उसने वो सब कुछ अपनी कल्पना में देखा। अब चीनू के घर जाने का समय था तो उसके एक फ्रेंड ने उसे आवाज़ लगाई और उसे घर ले जाने के लिए कहा और उसकी हेल्प की। जाते हुए चीनू ने स्ट्रेंजर से पूछा कि क्या वो गॉड है? तो स्ट्रेंजर ने कहा, नहीं, मैं गॉड नहीं हूँ, मैं उनका एक बच्चा हूँ। चीनू जाते हुए स्ट्रेंजर से बोला, आपको ज़रूर भगवान ने भेजा है। सो स्टूडेंट्स, फ्रॉम दिस स्टोरी वी लर्न दैट वी शुड बी सेंसिटिव टू द फीलिंग्स एंड नीड्स ऑफ अदर्स। थैंक यू, स्टे हेल्दी, बाय बाय।